अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/1/2021। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो रिफ्रेश होने के लिए। वैसे तो हम बाबा के बच्चे बने, बाबा को पहचाना और हमारी रिफ्रेशमेंट शुरू हो जाती है, और जितना बाबा की याद में रहते हैं उतना ज्यादा रिफ्रेश रहते हैं, ये हम सभी का अनुभव है। फिर घर गृहस्थ में रहते सेंटर पर आते हैं तो सेंटर पे आकर के भी हम रिफ्रेश होते, फिर उसके बाद हम मधुबन जाते हैं तो मधुबन में तो बहुत ही अच्छी तरह रिफ्रेश होकर के आते हैं, और फिर बाबा कहते हैं कि तुमको विश्राम भी मिलता है, एक रिफ्रेशमेंट और दूसरा विश्राम। विश्राम देखा जाए, मधुबन जाते हैं तो सचमुच पियर घर बहुत अच्छा बाबा हमें विश्राम कराते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले बाबा के बच्चों के भी अनुभव है कि कैसे बाबा उनको, जो भी हम 5 दिन 1 हफ्ता रहते हैं,
सुबह चाय से लेकर रात्रि सोने तक जो भी इस शरीर के लिए खान पान लगता है सब हाथ में मिलता है। सूक्ष्म पालना, स्थूल पालना, हर रीति से बाबा विश्राम देते। फिर बाबा कहते, बच्चे जो परम धाम है, शांति धाम है, वो भी विश्राम घर है, वहां भी हम बाबा के साथ विश्राम करेंगे। फिर हम जब सतयुग में जाते हैं तो सतयुग में भी बाबा कहते तुमको विश्राम है, क्योंकि वहां सुख है, शांति है, संपत्ति है, सब कुछ है। तो बाबा का बनने से ही हम रिफ्रेश भी होते हैं और हमारा विश्राम भी हो जाता है। तो आज बाप दादा हमें इस प्रकार से शिक्षाएं दे रहे हैं, बता रहे हैं, अनुभव भी करा रहे हैं। बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे भी, रिफ्रेश भी होंगे और विश्राम का अनुभव भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो, सदा रिफ्रेश रहेंगे। भले सामने जो भी बातें आएगी ना, फिर भी हमारी जो स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट का ही अनुभव कराएगी, अगर हमको बाबा याद है और बाबा का वर्षा याद है। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो समझदार है ना, उन्हें अपार खुशी होगी। ये प्राप्ति है उनको, अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं है बाबा का बनकर, अगर खुशी नहीं है, बाबा कहते बच्चे वो है बुद्धू, यानी समझ नहीं उनके पास, कौन मिला, भगवान मिलने के बाद भी खुश नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? तो बाबा कहते वो है बुद्धू। समझदार अर्थात पारस बुद्धि, पारस बुद्धि बनने वाले बच्चे वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, जो खुद रिफ्रेश होते हैं, समझदार बन के चलते हैं, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अपनाते हैं, तो बाबा कहते वो दूसरों को भी जरूर रूहानी सर्विस करके पारस बुद्धि बनाने का मार्गदर्शन बताएंगे। बाबा का परिचय देने के बिगर रह नहीं सकते हैं। समझदार बच्चों की बाबा निशानी बता रहे हैं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा के द्वारा समझाते हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना कि देखो शिव बाबा मेरे मुख से ज्ञान सुनाता, तो कान कितने नजदीक है, मुख और कान थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो कई बार ब्रह्मा बाबा कहते कि देखो मैं तो सबसे पहले सुन लेता हूँ, तो बाबा कहते ये दादा भी सुनते हैं, क्योंकि बाप बैठ के दादा के द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान ही कहा जाता, ये बुद्धि में हमको लोगों को बिठाना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, नहीं तो उनको ब्रह्म पैदा हो जाता है। ये है भगवानुवाच्य। बाप मुख्य क्या समझाते हैं? बच्चे देही अभिमानी बनो। अच्छा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। पावन बनने के लिए हमें आत्माभिमानी बनकर बाबा को याद करना पड़े, इसीलिए बाबा को कहना पड़ता देही अभिमानी बनो। ये बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है कि पुकारते हैं
हे पतित पावन आओ, अर्थात हम पतित हैं। नई दुनिया जरूर पावन होगी, नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है, उनको कहते पतित पावन। पतित पावन बाबा कहकर बुलाते हैं, पतित पावन, फिर साथ में उनको बाप भी कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर तो नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है और वही पतित पावन है, वह तो अच्छी तरह याद रहना चाहिए। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, ये तो समझ सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो यहां ही जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को हम कभी स्वर्ग नहीं कह सकते। स्वर्ग माना सारे स्वर्ग में होने चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, तो कलयुग को तो स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, अंतर है ना। मनुष्यों के बुद्धि में ये बैठता नहीं है, बिल्कुल जर्जरी अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना बच्चों को, अरे तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं, तुम्हारे गांव निवासी बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जो नहीं समझते उनको क्या कहा जाएगा। समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं। बाबा हमेश कहते हैं कि अगर हम ज्ञान सुनकर दूसरों को सुनाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, माना हमने समझा है। अगर हम दूसरों को नहीं समझाते हैं, माना हमने भी नहीं समझा, क्योंकि हमें सेवा तो करनी है। खुद पारस बुद्धि बनते तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, ये प्रूफ जरूर बाबा को देना है, प्रजा को तैयार करना है, तब तो हम ऊंच पद पा सकेंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों के बुद्धि में आधा कल्पना उल्टे अक्षर पड़े हुए हैं, वो भूलते ही नहीं। आधा कल्प बहुत बड़ी बात है, तो आधा कल्प से शास्त्रों के द्वारा, साधु संत महात्माओं के द्वारा कानों में उल्टे अक्षर पड़े हुए। एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है, कितनी भक्ति की है तो वो इतने पक्के हो गए, संस्कार बन गए, तो वो भूलते नहीं है। अब कैसे भुलावे? भुलवाने की जो ताकत है ना, वो एक बाबा के पास। सचमुच सब हम बच्चे अनुभव करते, अगर और कोई हमें बोलता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो जल्दी नहीं मानेंगे। लेकिन बाबा की ताकत है, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, ऑलमाइटी अथॉरिटी, तब जाकर के हम समझ पाए कि सच्ची बात क्या है। तो बाबा कहते ये भुलवाने की ताकत एक बाबा के पास है। बाबा के बिगर ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते, गोया सब अज्ञानी ठहरे, तो उनका ज्ञान फिर कहां से आवे? जब तक ज्ञान सागर बाबा आकर के न सुना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। ज्ञान सागर आएगा, ज्ञान सुनाएगा, तो सच्ची बातें हमको समझ में आएगी। तमो प्रधान माना अज्ञानी मनुष्य, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया, दैवी मनुष्य, फर्क है ना। देवी देवताएं फिर पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है,
जैसे जैसे जन्म लेते हैं, नीचे उतरते हैं, जो एकदम बाबा इस समय हमको अक्ल देते, पूरे विश्व में राज्य चलता है देवी देवताओं का, धीरे धीरे बाबा कहते वो बुद्धि वो अक्ल थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से फिर जो ताकत मिले वो फिर खलास हो जाती है। तो अभी तुमको बाप समझाते हैं कि तुम कितने रिफ्रेश होते हो। सब अनुभव कर रहे हैं कि बाबा की मुरली सुनकर के हम रिफ्रेश होते, इसीलिए लाखों बच्चों का अनुभव है। कभी भी हम उदास होते हैं, हम दिल शिकस्त होते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, मूड खराब हो जाता है या बीमार हो जाते हैं, प्यार से बाबा की मुरली पढ़ो। भले वो आपकी पढ़ी हुई भी होगी पहले, फिर से पढ़ो। जो भी आपके पास है उसको पढ़ो मुरली में। मुरली हमको रिफ्रेश कर देती है, एक नया उमंग उत्साह आ जाता है, ताकत आ जाती है, क्योंकि मुरली बड़ी ताकतवान है, पावरफुल बनाती है। किसकी मुरली है? बाबा की, जो जादूगर है, तो वो जादू कर देती है। और हमें जो भी ताकत के लिए पॉइंट चाहिए वो अवश्य उसमें आ जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ देखो तुम कितने रिफ्रेश हो रहे हो, मुरली सुन के रिफ्रेश हो रहे। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे, रिफ्रेश थे पहले, विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी होके जाओ और विश्राम भी पाओ। मधुबन में बाबा बुलाते हैं, बच्चे आओ बाबा के पास, अपने घर में आओ, रिफ्रेश भी होके जाओ और विश्राम भी पाओ। आज बाबा के बच्चे मधुबन क्यों जाते? ताकत भर के आते। वह ताकत कितना समय तक आगे चलती रहती है और कितना बाबा के घर में हमें देह की आत्मा की सब प्रकार से हमको रेस्ट मिलती है, विश्राम का अनुभव होता है। रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में भी विश्रामपुरी में जाते हो, वहां तुमको बहुत ही विश्राम मिलता है। भाई सतयुग में तो कोई ज्यादा काम काज भी नहीं होंगे ना, सारा दिन क्या करेंगे। विश्राम है, सुख है, शांति है, आनंद है, सब कुछ है हमारे पास। वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हैं, दोनों तो बाबा ही देगा ना। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना। जब कोई व्यक्ति थक जाता है, अभी मुझे थोड़ा विश्राम की जरूरत है, आराम की जरूरत है, तो बाबा कहते थक जाते तो विश्राम की जरूरत पड़ती है। तो तुम यहाँ आकर के रिफ्रेश होते हो, याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। देखो जब विश्राम पाना होता है तो कोई कहाँ जाते, कोई कहाँ चले जाते, दो दिन चार दिन घर से निकल जाते, तो जाकर के वहां विश्राम पाए। तो बाबा कहते उसमें तो कोई रिफ्रेशमेंट की इतनी बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बाबा रोज समझाते हैं कि तुम यहाँ आकर के रिफ्रेश होते हो, याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? सतो प्रधान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ है? जवाब है, मीठे मीठे बच्चे बाबा को याद करो, ये पुरुषार्थ है। बाप ने सारी शिक्षा दे दी है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उनों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम्हारे जैसा रिफ्रेश हो जाए। हमें खुद भी रिफ्रेश होना है और दूसरों को भी साथ साथ रिफ्रेश करते जाना है। अपना फर्ज ही ये है सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना,
टेम्पररी रिफ्रेश नहीं, अविनाशी रिफ्रेश होना, अविनाशी विश्राम। हमको बाबा अविनाशी रिफ्रेशमेंट, अविनाशी विश्राम देते आधा कल्प के लिए। सबको ये पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाबा को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत ही सहज, बेहद का बाबा स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी तुमो संगम युग पर माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। बाबा देता है हम बच्चों को वर्षा, और बाबा माया क्या देती है, श्राप देती है। हमने दोनों को जान लिया कि माया कैसे श्राप देती है। जब माया रावण का श्राप मिलता है द्वापर युग से, तो पवित्रता खत्म, सुख शांति भी खत्म, धन भी खत्म हो जाता। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वो भी बाबा ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं दुखधाम में, कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुखधाम में तो विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती, इधर जाओ उधर जाओ धक्के खाओ, कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, एक जन्म भी नहीं। इसलिए बाबा देखो बच्चों के पांव दबाते, बच्चे भक्ति करते करते थक गए हो ना, और कंगाल भी बना देती है, गरीब बना दिया। ये अभी अभी तुमको बाप समझाते हैं, नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते बाबा कहाँ जादू न लग जाए। यहाँ तो बैठा हुआ है बुद्धि में संस्था के लिए, यहाँ जादू लगता है। अभी तो खैर ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत था। तो सोचते हैं जावे नहीं जावे, क्या करें कैसे करें। अरे तुम तो कहते हो ना जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ मैं हूँ जादूगर। तुमने मुझे कहा जादूगर, मैं भी कहता हूँ कि हाँ मैं जादूगर हूँ। परंतु जादू कोई वो नहीं है कि भेड़ बकरी बना दिया, भेड़ बकरी बना दिया, लकड़ी बना दिया, लड़की बना दिया, ऐसा जादू मैं नहीं करता हूँ। जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है ना कि सुर मंडल के साज से रिड बकरी क्या जाने। ये एक बहुत अच्छी कहावत है कि रिड बकरी जो होती है ना, वो सुर मंडल का साज, सुर मंडल का साज माना संगीत का, जैसे ग्रुप बैठा हुआ है, सुर बज रहे, संगीत बज रहा। अब रिड बकरी तो आप सब जानते हैं, एक तो बकरी की जात होती है, बकरी के ही जात की दूसरी बकरी टाइप जो होता है ना जानवर, वो उनकी मुंडी बिल्कुल नीचे रहती है, वो ऊपर मुंडी नहीं करती है, तो उसको कहते रिड। तो बाबा कहते हैं कि मैं जो है सुर मंडल के साथ से रिड बकरी क्या जाने। तो वैसा तो मैं नहीं काम करूंगा, मैं तो आऊंगा तो तुम बच्चों को क्या से क्या बना देता हूँ, ये मेरा जादू है। अब ये बातें यहाँ के लिए है, सतयुग में नहीं गाते हैं, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है बाबा, कई बार चंडिका का मिसाल देते हैं ना कि चंडिका का कितना मेला लगता है। अच्छा पूछो वो कौन थी, भक्ति मार्ग में क्या होता है, भक्ति मार्ग में क्या होता है, पूछो वो चंडिका कौन थी, तो क्या बोलेंगे, चंडिका देवी थी। उनकी पूजा भी होती है, उनके मंदिर भी बनते हैं। अब ऐसा नाम तो वहां पर होता नहीं ना, वास्तव में तो कोई, बाबा कहते हैं ऐसा नाम सतयुग में नहीं होता, चंडिका तो ठीक नाम नहीं है। वहां पर क्या होता है, वहां तो बड़े शुभ नाम होते हैं, कैसे, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, क्योंकि श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, तो श्री जरूर पहले लगाते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है, कलयुगी विशेष संप्रदाय को कैसे श्रेष्ठ कहेंगे, श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है ही नहीं, गायन भी है, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बात।
अभी दूसरी कहावत बाबा ने बता दी। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ नहीं, मनुष्य जब देवताई कर्म सीखते हैं तब जाके वो देवता बनते, और वो बनाता है बाबा। फिर देवता से मनुष्य बनते, फिर द्वापर में चक्कर लगा के आ गए, विकारी बन गए तो मनुष्य बन गए, क्योंकि पांच विकार आ जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य है, सत्ययुग में देवताएं हैं, द्वापर के बाद मनुष्य कहलाते, वहां है देवताएं, तो उनको डिटी वर्ल्ड और इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है, मनुष्य की दुनिया कही जाती है। डिटी वर्ल्ड को कहेंगे दिन, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बाबा बताते हैं ना, तो वो है दिन। ह्यूमन वर्ल्ड को कहेंगे रात। दिन सोजरे को कहा जाता, सोजरा माना रोशनी। रात जो है वो अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आद मध्य अंत को जानते हो, तो वो नेति नेति करके गए कि हम नहीं जानते हैं। अब तुम समझते हो कि हम भी तो पहले नास्तिक थे, हम भी पहले नहीं जानते थे, बेयत के बाबा को भी नहीं जानते थे। तो वो है असल असल अविनाशी बाबा और आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाबा के बने हैं, हम उस बेहद के बाप के बने जो कभी जलते नहीं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को कोई जला नहीं सकता, शरीरों को जलाया जाता। अच्छा रावण राज्य है, रावण को जलाया जाता, आत्मा तो जलती नहीं है। तो बच्चों को बाप ये गुप्त बातें, गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाबा के पास ही है। ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी तो गुप्त है ना, दिखाई नहीं देती आत्मा। आत्मा से मुख के द्वारा बोलती है, इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करना पड़े, देही अभिमानी बनना पड़े। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाएंगे। अगर देह अभिमान में रहेंगे माना उल्टे लटके हुए हैं, अपने को आत्मा भूल जाते हैं। ड्रामा के राज को भी तो अच्छी तरह समझना है। ड्रामा में जो नूंद है वो हूबहू रिपीट होता है, ये किसको भी पता नहीं। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है ना, ये नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार पा नहीं सकते, कितना माप करे आसमान कहाँ तक है, बाबा कहते कोई माप निकाल नहीं सकते, अंत निकाल नहीं सकते हैं। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पा सकते। आकाश सूक्ष्म है, धरती स्थूल है, कई चीजों का पार पा नहीं सकते हैं। जबकि कहते भी है आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल, शास्त्रों में सुना है ना, नाम तो सुने हुए हैं। तो ऊपर में भी जाकर के ना देखते हैं, आजकल तो बहुत जाते ना ऊपर, यहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते, चंद्रमा इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, सोचते दुनिया बसावे उधर। दुनिया बसाई तो बहुत है ना, भारत में तो सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था, और खंड कोई था नहीं, फिर कितना बसा लिया। अब देखो दुनिया कितनी बड़ी हो गई, सतयुग में बाबा कहते हैं सारे विश्व में एक भारत, तो जैसे वो भी एक छोटा सा गांव है, और अब देखो कितनी बेहद की दुनिया बन गई। तुम विचार करो भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवता है, कितने 9 लाख लोगों को कितनी जगह चाहिए, कितने थोड़े से टुकड़े में हम बच्चे होंगे, बेहद की जगह हमारे पास। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्थान थी उसको कब्रिस्तान अभी कहेंगे, दैवी पहले थी वो परिस्थान, वहां पे अकाले मृत्यु नहीं होती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती है।
अमर लोक को कहते परिस्थान, वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी रहती है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते थे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक है ना, कितने शोभवान है, देखो तो दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखो, 2 मिनट खड़े हो जाओ, चित्र देखो, कहां भी चित्र बना हुआ देखेंगे ना, मन प्रसन्न हो जाता है, शोभवान लगते हैं। सतो प्रधान है, नेचुरल ब्यूटी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था ना कृष्ण का जन्म कैसे होता है, शुरू शुरू में बाबा ने कई राज बताए संदेशियों के द्वारा। फिर बाबा कहते बच्चे अभी अंत आ रहा है, अभी तो आ ही रहा है, सामने दिख रहा है, तो अंत में फिर से आप बच्चों को बहुत सारे साक्षात्कार होंगे। जितनी हमारी विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि और लाइन क्लियर और क्लीन होगी ना, हम राजों को समझ पाएंगे। तो कृष्ण का कैसे जन्म होता है, सारे कमरे में जैसे चमत्कार हो जाता है, इतनी पवित्र आत्मा नीचे उतरेगी, गर्भ से जन्म लेगी, सारी चमक चमक हो जाती है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबर वार तो जरूर चाहिए, एक जैसा तो सभी नहीं हो सकते, विचार किया जाता, इतनी छोटी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल गई, देखो शरीर का क्या हाल हो जाता है, कोई काम का नहीं, सड़ा हुआ शरीर। इतनी छोटी सी आत्मा ने प्रवेश किया, शरीर देखो कैसे काम करता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी तो अनादि है, इसमें हरेक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो कि ये सृष्टि रूपी झाड़ है। बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते, हरेक का पार्ट फिक्स है ना। बुद्धि में तो फर्क रहता है, सबकी बुद्धि एक जैसी तो होती नहीं है। आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है कि हमको स्कॉलरशिप लेने का है, तो दिल अंदर खुशी रहती है। यहाँ भी अंदर आने से एम ऑब्जेक्ट देखने में आती है तो जरूर खुशी होगी। अभी तुम जानते हो कि हम ये बनने वाले हैं, ये बनने के लिए हम यहाँ पढ़ते हैं, बाबा के पास पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ न सके। ये है एम ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई स्कूल कहां भी नहीं होगा। क्या बता रहे, सुनो बाबा कहते ऐसा कोई स्कूल कहां भी नहीं होगा जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट देख सके। है क्या कभी कोई बोलेगा मैं अगले जन्म में ये बनूंगा, ये मुझे सामने दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। वंडरफुल स्कूल हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, अगले जन्म में जाके देवता बनेंगे। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक हैं, हम ऐसे बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर है, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं, जा रहे। खिवैया, खिवैया कौन है? बाबा। खिवैया बाप है निराकार। बोट, बोट कौन है? मैं आत्मा। बाबा है खिवैया, आत्मा है बोट, आत्मा भी निराकार। तो बोट को खींच करके परम धाम ले जाते, सब आत्माओं को खिवैया आया है ऐसे खींच करके अपने घर ले जाने। इन कार्पोरियल बाप इन कार्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है फिर हुबहू रिपीट होगा, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, छोटा बनकर फिर बड़ा बनते हैं। जैसे आत्मा को जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते फिर उनसे आम निकल आते, झाड़ बन जाता। तो ये है, वो है हद का झाड़ और ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, पर इसको कहते वैरायटी झाड़,
सब प्रकार से निकलता है, एक फल नहीं निकलता, वो आम डालो तो आम ही निकलेगा, ये वैरायटी झाड़। सत्युग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट पर जाते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे, अब नहीं है, चक्कर लगाकर फिर ये बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर इन्हों का ये अभी लास्ट जन्म है ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है, स्वर्ग में तो इतने लोग होंगे ही नहीं ना, न इस्लामी होंगे, न बौद्धी होंगे, न क्रिश्चियन होंगे, न सिख होंगे, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं, एक ही धर्म। अब ये समझ भी कोई में तो नहीं है ना, समझदार को टाइटल मिलना चाहिए, जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से वो पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही ये एम ऑब्जेक्ट देख कर खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को देख देख के बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो कोई पारावार नहीं, इतनी खुशी हो, पाठशाला वास्कूल हो तो ऐसा हो, है कितनी गुप्त लेकिन जबरदस्त पाठशाला है बाबा की, कैसे क्या बना देती है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहां सब फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है फिर चाहे सोने के तखत पर, चाहे लकड़ी के तखत पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच्य है, पहले नंबर में है ये विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता चला है, कल्प कल्प बाबा आकर अपना परिचय देते हैं कि बच्चे मैं इनमें प्रवेश करके तुमको पढ़ाता हूँ। देवताओं में ये ज्ञान थोड़ी होगा, वहां तो सब भूल जाएंगे। ज्ञान से देवता बन गए फिर पढ़ाई की दरकार नहीं, अभी पढ़ रहे ब्राह्मण देवता बन जाएंगे, पढ़ाई खत्म। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की, इतना बाबा गुप्त पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इतनी गहरी पढ़ाई पढ़ा रहे। बाबा कहते ये बड़ी गहरी पढ़ाई है, विचार सागर मंथन करते रहे, हीरे मोती जमा करते रहे। तो बाबा कहते विशाल बुद्धि बनते जाएंगे, बाबा का ज्ञान और जीवन में उतरता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास करके पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाबा और स्वर्ग की तरफ लगाने। सब जगह से बुद्धि निकालो, बाबा और नई दुनिया, बस वही याद रहे। दूसरा, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना। आज बाबा ने कहा रिफ्रेश होना, वो बाबा करते हैं, और विश्राम पाना। संगम पर भी विश्राम है हमको, परम धाम में भी विश्राम है, और सतयुग में भी विश्राम है। बाबा मिला माना रिफ्रेश भी हो गए, और विश्राम ही विश्राम। सबको बाबा का पैगाम देके रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है, किसको समझाने के लिए लज्जा नहीं आनी चाहिए, देह अभिमान नहीं आना चाहिए। वरदान है सदा बाप के सन्मुख रहकर खुशी का अनुभव करने वाले अथक आलस्य रहित भव। सबको बाबा का परिचय दें, खुश रहें, अथक और आलस्य रहित भव। कोई भी प्रकार के संस्कार व स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना, या अलबेलेपन में आना, या अलबेलापन आना भी थकना है तो अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य न हो। कभी दिल शिकस्त हो जाते हमारे से नहीं होगा, कभी अलबेलापन आता है तो उसको बोलते थकना।
अथक बनो, आलस्य न हो। जो बच्चे से आलस्य रहित है वे सदा बाबा के सन्मुख रहते हैं और खुशी का अनुभव करते रहते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसीलिए सदा सन्मुख रहो, बाबा के सन्मुख रहो और खुशी का अनुभव करते रहो। स्लोगन है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में, पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। दुआओं का खजाना हर पल मेरा जमा होता रहे, ये अनमोल खजाना, श्रेष्ठ खजाना है। अच्छा, ओम शांति। पालो प्रभु का प्यार अगर है माना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, कल किसने अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु।